नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ शोभना गोस्वामी। राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी के किसानों ने मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक बकाया भुगतान नहीं कराया गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। जबकि सरकार ने यह घोषणा की थी कि गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर कराया जाएगा और जिसमें लेट होने पर ब्याज का भी प्रावधान रखा गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की और न ही गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। उन्नाव में हुए किसानों पर प्रशासन द्वारा बर्बरता पूर्वक व्यवहार की राष्ट्रीय लोकदल कड़े शब्दों में निंदा करती है। राज्यपाल महोदय से मांग की गई है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को सहमति और उचित मुआवजा देकर ही भूमि का अधिग्रहण किया जाए। साथ ही प्रशासन के दोषी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मांगे न पूरी होने पर आगे चलकर भूख हड़ताल करने की बात भी कही है। प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया है और चीनी मिल चले पखवाड़ा बीत गए। किसान को अभी ये जानकारी नहीं कि हमारा जो गन्ना है वो चीनी मिल में किस मूल्य में गन्ना हमारा जा रहा है और हमें क्या उसके दाम मिलेंगे। किसान आर्थिक तंगी में है, ना फीस जा रही, ना शादियाँ बच्चों की हो पा रही हैं, बेटियों की हो पा रही हैं। और उधर तमाम चाहे मुख्यमंत्री हों, गन्ना मंत्री हों, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हमने 14 दिन किसान के गन्ने का बका भुगतान, हम 14 दिन भुगतान करा रहे हैं और गन्ने का उचित मूल्य देंगे। जब जो प्रदेश का मुखिया रमाला शुगर मिल का उद्घाटन करने के बाद भी किसान को ये नहीं बता पाया कि आपके चीनी का, आपके गन्ने का जो मूल्य है वो इतने रुपए आपको मिलेगा और उद्घाटन करने के बाद चलेगा, तब से वो चीनी मिल बंद पड़ी है। तो ये थी मेरठ से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर।